नमस्कार दोस्तों, स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल को और नए डिक्टेशन सबसे पहले लिखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। डिक्टेशन स्टार्ट। अफगानिस्तान के प्रमुख शहर जलालाबाद में सिखों और हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए भीषण आतंकी हमले में करीब 20 लोगों की मौत पर भारत सरकार ने उचित ही चिंता प्रकट की, लेकिन यह भी साफ है कि केवल इतने भर से बात बनने वाली नहीं है। इस हमले के बाद भारत सरकार को कहीं अधिक सक्रियता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जलालाबाद और आसपास के इलाके में रह रहे बचे खुचे सिख अब खुद को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। अगर वे पलायन के लिए विवश होते हैं तो फिर अफगानिस्तान के दूसरे हिस्से में रहने वाले रहे सिख और अन्य अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं। यह चिंता उन्हें भी अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। अफगानिस्तान में रह रहे सिखों और हिंदुओं के साथ अन्य अल्पसंख्यकों की जिंदगी कितनी जोखिम भरी है, यह इससे समझा जा सकता है कि करीब 2 दशक पहले उनकी संख्या 1 लाख से अधिक थी, लेकिन आज वे बमुश्किल 2-4 हजार ही बचे हैं। अतीत में तालिबान की बर्बरता का सामना कर चुके अफगानिस्तान के सिखों और हिंदुओं पर ताजा हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी आईएस नामक संगठन ने ली है, लेकिन इस बारे में कुछ कहना कठिन है कि यह किसकी हरकत है। हैरत नहीं कि आईएस के नाम का उल्लेख केवल सनसनी पैदा करने अथवा प्रचार पाने के लिए किया गया हो और यह काम अंजाम दिया हो कि किसी तालिबानी गुट ने। इसकी आशंका इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत अन्य देशों में सक्रिय किस्म के आतंकी संगठनों में खुद को आईएस से जुड़ा हुआ बताने का सिलसिला तेज हो गया है। जलालाबाद में सिखों और हिंदुओं को आत्मघाती हमले का शिकार बनाने का काम चाहे जिस आतंकी समूह ने किया हो, यह साफ है कि उसका मकसद अफगानिस्तान सरकार के साथ साथ भारत सरकार को भी कोई संदेश देना था। कहीं इस आतंकी गुट ने सिखों और हिंदुओं को निशाना बनाने का काम पाकिस्तान के इशारे पर तो नहीं किया। यह सवाल इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के उत्थान में भारत के हाथ बटाने से यदि किसी को परेशानी है तो वह पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में भारत की सक्रियता इसलिए रास नहीं आ रही क्योंकि वह काबुल में अपनी कठपुतली सरकार चाहता है और उसे लगता है कि भारत इसमें बाधक है। पाकिस्तान की इस सोच के पीछे एक बड़ी वजह अफगानिस्तान को अपनी जागीर के तौर पर देखना है। यदि पाकिस्तान की पहली सनक भारत को नीचा दिखाना है तो दूसरी सनक अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में देखना। इसी कारण वह तालिबान सरीखे खुखार तत्वों को अपना सहयोग समर्थन और संरक्षण दे रहा है। चूंकि जलालाबाद हमले में मारे गए सिख और हिंदू अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे, इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना
चाहिए कि दोषी बचने न पाएं। निसंदेह यह भी अपेक्षित है कि अमेरिका और साथ ही अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर चिंतित अन्य देश भी जलालाबाद की आतंकी घटना का संज्ञान लें। इन सभी देशों को यह भी देखना चाहिए कि कहीं पाकिस्तान आतंक का नए सिरे निर्यात तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो इस डिक्टेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आपको जिस प्रकार के भी डिक्टेशन चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लौटेंगे जल्द ही एक नए और शानदार डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।